दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने टेक्निकल चैनल के टेक चैनल के लिए कैसे आप लोगों को थंबनेल क्रिएट करना है। अगर आप लोग हमारी दूसरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं जो यूट्यूब एसईओ के ऊपर है, जो थंबनेल के एसईओ के ऊपर है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग वॉच करिए, तभी आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएगा। कि समझ में क्या आएगा, तो वैसे भी आएगा, मतलब आपकी वीडियो ज़्यादा जल्दी वायरल हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें फैक्ट बताए हैं। कैसे आप लोग को थंबनेल का बैकग्राउंड कौन सा लेना है, कौन सा टेक्स्ट कलर लेना है, सारी जानकारी आप लोगों को दिए हैं, जो एसईओ के लिहाज से यूट्यूब जिसको स्वीकार करता है, जिसको एक्सेप्ट करता है, जो कलर वगैरह सारी जानकारी उस वीडियो में बताएं। पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को टेक्निकल चैनल क्रिएट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं सारी जानकारी आप लोग। चलिए आप लोगों को बताते हैं अपने टेक चैनल के लिए, टेक चैनल के लिए हम केवल आप बता रहे हैं कि आप लोगों को थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। सिंपल सा देखिए, ये पिक्सल लाइव है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, या इमेज साइज पर आपको क्लिक करना है, अपने थंबनेल्स यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से और कुछ बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल हम YouTube थंबनेल सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जो YouTube थंबनेल SEO पे हमने क्लिप बनाया था, वो वीडियो कि कौन से बैकग्राउंड पे कौन से कलर का आपको यूज करना है ताकि आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो, जल्दी जल्दी आपका चैनल ग्रो हो, क्योंकि आप SEO ही आपके चैनल को ग्रो कर सकता है। तो वो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम इस पर क्लिक किए हैं, यहाँ इस पर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको पहले करते हैं डिलीट। सबसे पहले हम बैकग्राउंड एक ले लेते हैं, हम लेंगे वाइट बैकग्राउंड। आप जो चाहें वो बैकग्राउंड ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड चूज करें। यहाँ पर हम देखिए वाइट बैकग्राउंड ले लिए, ये देखिए हमारा वाइट बैकग्राउंड है। अब देखिए, आप किसके लिए बना रहे हैं, टेक चैनल के लिए बना रहे हैं, तो मान लीजिए कोई यूट्यूब का अपडेट आया है, ठीक है, तो उसका अगर आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए थंबनेल सिंपल सा इस पर आप क्लिक करिएगा, या इंपोर्ट पे आप क्लिक करिए। कुछ आपको यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड करके रखना है, तो यहाँ पे हम गैलरी में चलते हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब का लोगो लेंगे, देखिए यहाँ पे यूट्यूब का लोगो लेंगे, HD थंबनेल हम बता रहे हैं, HD, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। ये ओके करने के बाद देखिए, वाइट बैकग्राउंड में एक कलर, मतलब बैकग्राउंड इसका एक कलर होना चाहिए, क्योंकि इसको इरेज करना है। इसको इनेबल कर देंगे, यहाँ से ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इसको आप यहाँ पे सेट करिए, ठीक है, आप यहाँ पे सेट कर दीजिए इसको। ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ लिखना है। सिंपल से यहाँ ए पे क्लिक करिए, यहाँ टेक्स्ट लीजिए, टेक्स्ट पे हम लिखते हैं न्यू अपडेट। यहाँ पे आपको लिखना है न्यू अपडेट, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके लिए, जिस आपने टेक चैनल के जो भी आप वीडियो बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू अपडेट, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू अपडेट। अब इसको आप यहाँ से खींच के ऐसे बड़ा करिए, बड़ा करने के बाद इसका हम फॉन्ट कुछ चेंज करेंगे। इधर हम चलते हैं, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, इसका हम फैमिली चेंज कर लेते हैं। देखिए फैमिली हम चेंज कर लिए हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा देखिए कुछ इस टाइप का हो गया, ये थोड़ा बोल्ड हो गया एक तरह से कहें, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अभी आप कलर चूज करेंगे, इसका जो कलर लेने वाले हैं, देखिए न्यू अपडेट हम रेड लेंगे। रेड हम इसलिए लिए, देखिए जो यूट्यूब का लोगो होता है वो भी रेड होता है, तो हम इसके इस वजह से रेड लिए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ले लिए, न्यू अपडेट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए जो अपडेट आया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, अब कुछ ऐसा लिखिए नहीं कहते हैं, एक भड़काऊ थोड़ा थंबनेल लिखिए, ताकि उस पर आदमी मजबूर हो जाए उस थंबनेल के ऊपर क्लिक करने के लिए, वो आपकी वीडियो देखने के। सिंपल सा इस पर क्लिक करिए। अब हम यहाँ पे लिख दिखा देते हैं, देखिए अब किसी का चैनल मतलब ग्रो नहीं होगा, या यहाँ पर हम लिख देते हैं अब किसी का चैनल, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे किसी का चैनल बस इतना हम लिखे हैं, हम ग्रो अलग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इसको हम इसका फैमिली चेंज करेंगे, सबसे पहले जो भी इसकी फैमिली है बेस्ट फैमिली आप चूज करिए, एक तरह से अपनी फैमिली से आप कुछ चीज़ें अपना रखिए याद। सिंपल से यहाँ बेस्ट फैमिली हमने चूज किया है। इसका आपको कलर चूज करना, देखिए कलर सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, ठीक है। किसी भी थंबनेल, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे SEO वाला तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम इस कलर को लिए, इसको यहाँ से हम कर देंगे ओके, ठीक है। अब किसी का चैनल यहाँ पे हम डालेंगे, लिखेंगे ग्रो,
सिम केवल हम ग्रो लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रो, देखिए GRO, यहाँ पे ग्रो हमने लिख दिया, यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया। ग्रो केवल लिखे हैं, इसको हम थोड़ा साइड में लगाएंगे। अब ये यहाँ हमने कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको हम करेंगे थोड़ा बोल्ड, यहाँ से हम इधर चलते हैं और इसको करते हैं, यहाँ से स्टाइल पे चलेंगे या फॉन्ट पे, इसको हम बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करते हैं या मैरून कलर दे देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ग्रो हमने ये ग्रो लिख दिया। अभी देख आगे हमें नीचे भी कुछ लिखना है। इसके पहले हम आप लोग को बता दूँ, यहाँ एक आप डिवाइडर लगा दीजिए, यहाँ डिवाइडर लगाने के लिए इस पर आप क्लिक करिए, शेप पे क्लिक करिए और इसको खींच के यहाँ छोटा एकदम कर दीजिए, ठीक है। छोटा करने के बाद इसको आप बड़ा करिए, इसका कलर आप कुछ चूज कर लीजिए डिवाइडर का। यहाँ पे देखिए हमने ये रेड है तो सिंपल सा उसी हिसाब से आपको कलर चूज करना है ताकि डिवाइडर पता चले। यहाँ पे हमने डिवाइडर ले लिया है, ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए इसको हम खींच के यहाँ पे लाके इस तरीके से लगा देंगे डिवाइडर। ये देखिए डिवाइडर हो गया। अब किसी का चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ग्रो नहीं होगा। इसमें नहीं हम पूरा लिख देते हैं, सिंपल सा एडिट पे क्लिक करते हैं, नहीं होगा। देखिए ये हमने लिख लिया नहीं होगा। अब इसे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये अब इतना हम कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक ग्रो का कोई चीज़ ऐसा लगाना है ताकि वो पता चले कि ग्रो की चीज़ नहीं क्यों। तो अभी हम आप लोग को दिखला रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हम इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं, सिंपल सा फोटो क्लिक करते हैं या पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ये ग्रो का है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कुछ वाटर मार्क है जहाँ से हम डाउनलोड किए हैं, सिंपल सा इसको हम क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो हम आप लोग को बताएं एक कलर का बैकग्राउंड रहेगा तभी रिमूव होगा। सिंपल सा इस पर हम क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं और इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, जो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं ओके पे आपको क्लिक कर देना। देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका टॉलरेंस कुछ आप कम बेसी कर दीजिए, हम इसको ज़्यादा करते हैं ताकि वो पूरी तरह से मिट जाए। उसके बाद इसको हम इस तरीके से छोटा कर देते हैं। ये देखिए ग्रो का ये सिंबल लग गया, ठीक है। मतलब ये ग्रो की हम बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ उस चीज़ वैसा सिंबल आप लगाएंगे तो वो जल्दी क्लिक कर उस पर लोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे इमेज कोई लगाना है, कोई भी आप इमेज लगा लीजिए, जो भी आपके पास इमेज हो, या इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और इस पर आपको क्लिक करना है या फोटो पर क्लिक करिए, जो भी आप इमेज रखे हो। देखिए हमें आप इमेज अपना रखे हैं, ये थोड़ा उस पर नहीं कहते हैं, एक थंबनेल जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पोज है। सिंपल सा यहाँ ओके पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे इस तरीके से छोटे, ठीक है। छोटा ने थोड़ा सा और खींच के इसको हम बड़ा करते हैं और इसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। देखिए हम इधर चलेंगे इस तरीके से, इसको खींच के इधर करते हैं और यहाँ इरेज पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड हो गया रिमूव। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया लेकिन हम ये जो ग्रो का सिंबल लगाए थे ये पीछे चला गया, तो इसके अब क्या करना है आपको, अपने इमेज को देखिए, अपने इमेज पे आपको क्लिक करना, अपना इमेज सेलेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रंट है तो सिंपल सा बैक पे क्लिक कर देना। देखिए ये आ गया ऊपर। अब ये ऊपर आ गया तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ ब्लैक हमारा टी शर्ट है, ब्लैक ये भी है, तो इस पर आप इस पर क्लिक करिए और इसको दे दीजिए कुछ स्ट्रोक वाइट कलर का, ठीक है। स्ट्रोक पे क्लिक करिए, इनेबल करिए और यहाँ पे आपको इधर चलना है। देखिए हम वाइट स्ट्रोक दे दिए। अब आप इसको थोड़ा सा हम ये जो है एक दो नंबर है स्ट्रोक, हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, देखिए इस तरीके से अब वो पता चलने लगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रोक हो गया। अब अपने थंबनेल अपने फ़ोटो को अच्छे से सेट कर लीजिए कहाँ पे रहने वाला है किस तरीके से, ठीक है। अब जिन हमसे भी अच्छा थंबनेल बना सकते हैं ये हमने आप लोग को दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को थंबनेल क्रिएट करना, और भी यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल सा इंपोर्ट पे क्लिक करिए, हम एक आध चीज़ और लगा के दिखाते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये डन का निशान है, ठीक है। ये थोड़ा अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको सारी इमेजेज वगैरह ये सारी चीज़ें लगाना, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए कितना अच्छा बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को बनाना, सेव करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करिए, सेव एज पे क्लिक करिए और हमेशा आपको PNG में सेव करना हो, यहाँ कस्टम है इसको अल्ट्रा कर लीजिए ताकि जो हमारा थंबनेल बना है वो HD क्वालिटी का हो, तभी यूट्यूब उसे प्रमोट करेगा, ऐसे नहीं प्रमोट कर देगा कोई भी थंबनेल लगा देंगे। यहाँ सेव पे आपको क्लिक कर देना है तो ये सेव हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब के लिए बाय बाय।